केआरएल चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस गंभीर सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की टीम मई फील्ड यूनिट के यहाँ पे पहुँची। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये निकला है कि एक व्यक्ति आशीष उर्फ बबुआ तिवारी, इनको इनके ही घर के बगल के रहने वाले पड़ोसी के द्वारा आज अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति को जो गनशॉट थी उसे तत्काल SRN में इलाज के लिए भेजा गया है। इन दोनों पक्षों में यजमानी को लेकर के विवाद है। ये बताया जाता है कि इनका कोई रोस्टर और सर्कुलर रहता है, जिसके हिसाब से ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग परिवार यजमानी करते हैं और इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कल किसी यजमान के द्वारा पैसे ले लिए जाने पे और इस सर्कुलर को जंप कर देने की विवाद के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सर, ये जो पीड़ित है ये कह रहा है कि लगातार मैं अपनी जान माल की खतरे की पुलिस से शिकायत करता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अगर पुलिस ने सुनी होती तो ये वारदात नहीं होती। जी, जो पीड़ित पक्ष है उनसे हम लोगों ने भी बात की है और उन्होंने बताया है कि कल शाम को ही इन्होंने ये स्थानीय चौकी पर एक लिखित एप्लीकेशन दी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर नहीं आए, और यदि आज के यहाँ पे इन दोनों पक्षों से वार्ता की गई होती तो ज़रूर इसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता था। फिर भी जो अभी जो घटना हो गई है उसमें तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है और बहुत जल्द जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी पड़ोसी हैं, दोनों के घर अगल बगल के ही हैं, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों घटना में कितने असलहे प्रयोग किए गए, जो तहरीर है उसके हिसाब से और जो मौके पे जांच पड़ताल की गई है उसमें दो लाइसेंसी असलहों का प्रयोग होना बताया जा रहा है। कुल कितने लोग? तीन लोगों के द्वारा जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है उसमें तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।